सरकारी संस्थानों का निजीकरण एवं किसान विरोधी विधेयक पारित कराने का आरोप लगाते हुए बेगूसराय में भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बेगूसराय के समरणालय स्थित दक्षिणी द्वार पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के जिला प्रभारी विजय पासवान ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों में अंधाधुंध निजीकरण करके पूरे देश का कॉरपोरेटाइजेशन करना मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जिसका मतलब होता है कि पूरे देश की सारी संपत्ति मुट्ठी भर कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देना और पूरे देश को कॉरपोरेट का गुलाम बना देना। किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले किसान विरोधी विधेयक के माध्यम से खेती की जमीन और किसानों को पूंजीवाद के हवाले किया जा रहा है। निजीकरण का सबसे बुरा प्रभाव पिछड़े आदिवासी शोषित और वंचित समाज पर पड़ रहा है, जहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है, इसलिए अविलंब निजीकरण पर रोक लगे और निजीकरण हो चुके संस्थानों में OBC और अल्पसंख्यक को आरक्षण का प्रावधान तथा किसान विरोधी विधेयक को रद्द करें, नहीं तो बहुजन समाज आने वाले समय में सड़क पर उतर कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। मेरे भाइयों, किस चीज़ को लेकर धरना पर आज आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी का राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालाना 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे सरकार में आकर रोजगार देने के बजाय कर्मचारियों को छटनी करके बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। तमाम सरकारी संस्थानों को, सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण करके एक चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो बेचने का काम कर रही है, एवं किसान विरोधी जो अध्यादेश लाए हैं उसके विरुद्ध में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि निजीकरण पर अविलंब रोक लगाएं। निजीकरण हो चुके क्षेत्रों में SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है आरक्षण का व्यवस्था करें, एवं आत्महत्या पर मजबूर करने वाले काले कानून को, किसान विरोधी काले कानून को रद्द करें। क्या नाम हुआ? विजय पासवान, भीम आर्मी प्रभारी बेगूसराय। आज का धरना प्रदर्शन का क्या मुख्य उद्देश्य है? किसान विरोधी बिल के जो सरकार अभी थोपी है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन को, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को बैठे हैं। और सरकार जिस तरह से सरकारी संपत्ति को बेच रही है, कुछ दो चार वो पूंजीपतियों के हाथ, जो आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको सरकार दूसरे रास्ते से आकर इसको ख़त्म करने का काम कर रही है। निजीकरण करने के बाद ST SC OBC माइनॉरिटी सभी का अधिकार छीन जाएगा। इसी के खिलाफ हम लोग दूसरी धरना पर यहाँ बैठे हैं। सरकार से मांग करते हैं जितना निजीकरण को रोका जाए, जिस संस्था का निजीकरण हो चुका है उसमें ST ST OBC सभी को उसका लाभ पहुँचाने का काम करें, यही हमारा सरकार से मांग है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रमजेब खान, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। कल विरोधी दल का ऐलान किया गया, क्या आप समर्थन दे दिए हैं? नैतिक समर्थन हमारा उनके साथ है, हम किसान के साथ हैं। किसान भाइयों का अधिकार अगर छीनने का काम सरकार करेगी तो हम उसके खिलाफ, किसान के साथ सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस तो इस चीज़ के लिए लड़ाई चल रही है उनकी, कांग्रेस भी इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ी है। हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े। क्या नाम है? मोहम्मद रमजेब खान, जिला अध्यक्ष। किस तरह का आपका समर्थन रहेगा किसान बिल को लेकर? देखिए, जब भी देश में तमाम ऐसा अगर कोई भी काला कानून जो है सरकार के तरफ से, तानाशाही सरकार है उसके तरफ से जो काला कानून लाया जाता है, चाहे वो देश विरोधी कानून लाया जाता है जिससे तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम जो गरीब वंचित लोग हैं उनके विरुद्ध जो कानून आता है, तमाम उस समय भीम आर्मी जो है सबसे पहले सड़कों पर रहती है। ये आप लोगों से बताना चाहते हैं। और जब भी कोई ऐसा आंदोलन होगा तो भीम आर्मी का जो पूरा समर्थन रहता है और नैतिक समर्थन हमारा रहेगा। क्या नाम है? हम भीम आर्मी प्रदेश प्रवक्ता सामंत।